आकांक्षा दुबे मौत मामले का मुख्य आरोपी, जिस पे आकांक्षा की मां ने सारा आरोप लगाया था, और इस केस में जो सजा याफ्ता है, जो जेल में है, बनारस के जिला जेल में वो अभी बंद है, और वो खबर आ रही है कि एकदम पागल जैसे कर रहा है। उसकी हालात एकदम जो पहले जैसा था वैसे नहीं है, नॉर्मल जैसा बिहेव वो नहीं कर रहा है, बाल वाल एकदम बढ़ गए हैं, खाना उसने छोड़ दिया है, और ऐसे तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं जो पहले की अपेक्षा एकदम उल्टा समर सिंह कर रहा है, उसकी हालत बेहद ख़राब हो चुकी है। अब ये सूचना बाहर कैसे आ रही है, तो हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग अभी समर सिंह से मिलने जा रहे हैं, और यही चर्चा का कारण भी बना है कि अचानक से आके हम आपको समर सिंह के बारे में बता रहे हैं। पिछले दिनों कई सारे लोग बारी बारी से समर सिंह से मिलने गए, जिसमें रितेश पांडे जैसे बड़े नाम हैं, क्योंकि समर सिंह भी अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बड़े नाम बन चुके थे। एक बड़ा नाम समर सिंह ने, एक ब्रांड समर सिंह ने बना लिया था, सीधे खेसारी को चैलेंज करने आ जाते थे, अच्छा खासा गाना, बड़ा बड़ा 200-300 मिलियन हिट वाला गाना दे चुका था वो इंसान, तो एक बड़ा हीरो, एक बड़ा स्टार तो था ही, और अपने दम पे ही अपना यूट्यूब चैनल उसने स्थापित की थी, जो समर सिंह इंटरटेनमेंट नाम का जो प्रोडक्शन कंपनी ये सब है। तो समर सिंह एक अच्छा ब्रांड होने के चलते उसकी जो पहुंच होता है, जो उसका अपना सर्कल होता है लोगों में, फ्रेंडशिप, जो दोस्ती होती है बड़े बड़े स्टारों से, वो था। इसी के नाते केस कुछ भी हो, रितेश पांडे भले आकांक्षा के परिवार से भी मिलते हैं, लेकिन वो समर सिंह से भी जाके मिलते हैं, वो कैसा है क्या है हर चीज़ जानते हैं, क्योंकि दोनों यूपी के हैं और वो अपना जो स्ट्रगल उनका है वो दोनों जानते हैं, उन दोनों से दोस्ती रही है। रितेश पांडे काशी विद्यापीठ से पढ़ते थे, बनारस एक तरह से गायकी ये सब का हब है, तो दोनों बनारस में पहले से एक दूसरे से जानते हैं। फिर उसके बाद कल्लू का भी बयान आया, कल्लू का भी यही हाल कि अगर आकांक्षा दुबे मामले में समर सिंह दोषी नहीं है तो उनको बाहर कर दिया जाए, जिसके लिए आकांक्षा की माँ चिड़ी हुई थी कि यार नहीं तो बीच का रास्ता कुछ निकाला जाए, इसके लिए लाइव आकर वो कल्लू को सुना रही थी आकांक्षा की माँ। तो ये लोग भी जाके मिलने वाले हैं, तो वहीं ये लोग जब मिल के आए, पहले रितेश पांडे आए तो उन्होंने ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया, लेकिन भोजपुरी के एक पत्रकार हैं, काफ़ी पुराने पत्रकार हैं, जब ये यूट्यूबर वाला ज़माना शुरू नहीं हुआ था तब से वो काम कर रहे हैं, नाम है धर्म दुबे, भोजपुरी में प्रोमोटर का भी काम किया, और जितने भी स्टार हैं सब लोगों से अच्छे संपर्क में हैं, वो समर सिंह से मिल के आते हैं। और वो जब मिल के आए तब उन्होंने बताया कि समर सिंह की हालत पहले से काफ़ी ख़राब हो चुकी है। पहले जो समर सिंह एकदम मजबूत शरीर से दिखते थे, गाल फूला हुआ, शरीर भी मजबूत, एकदम मोटे तगड़े हेल्दी लगते थे, वो समर सिंह की हालत अभी ख़राब हो गई है, दुबले पतले हो गए हैं एकदम, उनका समर सिंह का गाल पिचक गया है। साथ साथ वो ऐसी सूचना मिली, उन्हीं ने धर्म दुबे ने ही बताया कि वो खाना वाना भी ठीक से नहीं खा रहा है इंसान, हालत भी एकदम जैसे निराश नेगेटिव हो जाना कि हताश परेशान हो जाना वैसा हालत हो चुका है, ठीक से ना खा रहे, ना ठीक से बात करना, एकदम शांत रहना ये वाला हाल हो गया है, ना साफ़ सुथरा रहना, दाढ़ी वाड़ी पूरा बढ़ा हुआ है, बाल बढ़ा हुआ है, कुछ भी अपने चेहरे पे, अपने लुक पे जैसे एक स्टार रखते हैं वैसा या आम इंसान भी अपने को मेंटेन करके रखता है वो वाला ध्यान नहीं है, काफ़ी अंदर से परेशान है। और दूसरी तरफ धर्म दुबे ने बताया कि अगर आपको मिलना है समर सिंह से, लोग कैसे मिल रहे हैं, तो जैसा हाल मनीष कश्यप का है वैसा ही उनके साथ भी है, पहले एक दो दिन पहले उसके लिए अर्जी लगानी पड़ रही है, उसके बाद अप्रूवल होने के बाद आप लोग मिल सकते हैं, कोई कुछ ऐसा खास नहीं है, एक बार में दो या तीन लोग जाके मिल सकते हैं, जैसे मनीष कश्यप के साथ है, वो लोग तमिलनाडु जेल में बंद है, लोग जाके मिल रहे हैं, वही हाल उनके साथ भी है कि समर सिंह से भी मिलने का कोई ज़्यादा वो प्रोसीजर नहीं है। बाकायदा अब यहाँ पर ये नहीं है कि कोई भी जाकर मिल लेगा, कारण इसलिए होगा कि आप अर्जी लगाएंगे आपको तो अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन समर सिंह आपसे मिलना चाहते हैं या नहीं इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि हो सकता है आप रैंडम में समर सिंह आपको पहचाने ही नहीं, तो समर सिंह को भी आप पे विश्वास होना चाहिए, आप कारण बताइएगा कि आप कौन हैं, समर से आपका रिश्ता क्या है, आप प्रोफेशनल हैं तो किस तरीके से जानते हैं कुछ तो, क्योंकि समर सिंह को तो बताया जाएगा कि आप किससे मिलने जा रहे हैं, कौन आपको बुला रहा है, आपके भाई आए हैं, क्या आए हैं, आपके दोस्त हैं, आपके काम करने वाले सहयोगी जो हैं, तो समर सिंह को भी लगे कि आपसे मिलना चाहिए तब मिल सकते हैं, वरना कोर्ट के तरफ से या कानूनी रूप से ज़्यादा अड़चन नहीं है, जो भी समर सिंह को जानने वाले वो आसानी से जाके मिल सकते हैं, और लोग मिल भी रहे हैं, रितेश पांडे मिला है, धर्म दुबे मिला है, कल्लू के तरफ से भी जाने वाले, कल्लू जाएंगे अपने भाई जो आशु बाबा उनको भेजने वाले हैं, लेकिन जितने भी लोग मिलकर आ रहे हैं बस यही जानकारी मिल रही है कि हालत बहुत ख़राब है, अंदर से काफ़ी परेशान है समर सिंह। बाकी देखना है इसको लेकर जो भी सूचना आगे आएगी, और भी कुछ अगर केस में अपडेट आएगा तो हम उसे तुरंत आप तक पहुँचाएंगे। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है इस मामले में दोषी कौन है, क्या आगे होना चाहिए, केस में कैसे जल्दी सुनवाई होनी चाहिए या क्या सज़ा देना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी हमारे साथ बने रहिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।